नीचे ये जो है मेटेलिक बोल्ट आ गया है आपके पास, शायद यहाँ पे कुछ जगह जो है नायलॉन का है, नायलॉन का दिया है, हाँ वो चेंज कर दिया है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नायलॉन दिया था, लेकिन नायलॉन में क्या है, हैंड टेंशन है सर, हाँ तो उसका हमने एक पार्ट तैयार कर दिया है, उसको आप वन टू वन चेंज कर सकते हो। तो जब भी आप मंगाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो सामने का जो ये हेड है ना, ये तो मेटल का होगा और पीछे का जो हिस्सा है वो नायलॉन का ही रहेगा, सिर्फ ताकि जो है वो इंसुलेशन का काम कर सके, क्योंकि पास में ही जो है आपका लाइव सप्लाई है। लेकिन जो सामने हेड है जो सबसे ज्यादा डैमेज होता था, ये वाला हेड, ये मेटल का करती है, इसके ऊपर मैं मेटल की क्या कर रहा साइड की जो रेल्स हैं इनका डिजाइन चेंज कर दिए है, पहले मॉडल से शेकी होते थे और वो शेकी होने की कंप्लेंट्स भी खत्म हो गई। सो ऑल दीज इंप्रूवमेंट्स हैव बीन डन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप लोग करते ही हैं, एक तो सफाई करते हैं, क्लीनिंग क्लीनिंग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे शब्द लगता है, दूसरा टाइटनेस, वेरी नाइस, थर्ड बिल्कुल, और निकालते वक्त या लगाते वक्त किसी भी हालत में
निकालने के लिए प्लास इस्तेमाल नहीं करना है, इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, 70% लोग करते हैं, 70% लोग करते ही करते हैं। तो देखिए उसमें क्या, आप जब तक इस चीज को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे कि नुकसान क्या होने वाला है, तब तक आप उसका उपयोग बंद नहीं करेंगे। नुकसान जो होने वाला है वो ये है कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, मेरे पास में ये जो स्विच लगा हुआ है, स्विच के जहां फ्यूज आप इंसर्ट करते हो, जो प्लेट्स होते हैं वहां पे एक स्प्रिंग दिया होता है। जब आप प्लास से आप उसको इंसर्ट करते हो तो देखिए हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल सीधा हमारा हाथ जाएगा और सीधा एकदम फ्यूज इंसर्ट होता है, थोड़ा बहुत हाथ फिल्टर उड़ता है। जब आपका हाथ शेकी होता है या मूव करता है तो स्प्रिंग थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा खुल जाता है जितना नहीं खुलना चाहिए, और वो परमानेंटली जो है अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ देता है, परमानेंटली उतना खुल जाएगा। वहां पे क्या होगा, जहां पे अपने फ्यूज लगाया है धीरे धीरे करके ओवरहीटिंग स्टार्ट होगी, वो धीरे धीरे की डेफिनेशन एक महीना भी हो सकती है, एक आपका जो है दो महीना भी हो सकता है, छह महीना भी हो सकता है, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि वहां पे ओवरहीटिंग होके फ्यूज या स्विच ब्लास्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। और